नमस्कार दोस्तों, आज हम सूजी और आटे के गोलगप्पे बनाएंगे। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं और हेल्दी भी हैं, क्योंकि हम आटे और सूजी के साथ में बनाएंगे। जैसे कि लॉकडाउन में हम सभी घर पर हैं, तो तीखा और चटपटा खाने की कभी हमारी इच्छा होती है, तो हम ये गोलगप्पे आसानी से घर पे बना सकते हैं। बहुत ही करारे और क्रिस्पी बने हैं, और इसके साथ साथ दो तरह का पानी भी हम घर पे बनाएंगे और आलू का मसाला भी घर पे बनाएंगे। तो यहाँ पर चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं गोलगप्पे की, सूजी और आटे के गोलगप्पे की। यहाँ पर मैंने चटनी से हम पानी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर 2 चम्मच चटनी डाली है, 2 टेबल स्पून जितनी। अगर आपके पास चटनी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम 500 लीटर पानी के अंदर दूसरे मसाले डालकर उसी तरीके से हम पानी बनाएंगे जैसे हम नॉर्मली पानी बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर हमने चटनी नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए और 500 ml पानी लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चटनी जो है वो डाली है। ये धनिया पुदीने की चटनी है, इसका वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप देख सादे पानी के अंदर लाल मिर्ची का पाउडर डालिएगा, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर। तीखेपन के लिए आप हरी मिर्ची का पेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला है, चाट मसाले की मात्रा बढ़ा दीजिएगा अगर आपके पास चटनी नहीं है तो। जीरे का पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। नींबू का रस हम डालेंगे खट्टेपन के लिए। तो आप नींबू के रस की मात्रा भी थोड़ी बढ़ा दीजिएगा। और यहाँ पर हम काला नमक इसके अंदर डालेंगे, तो काले नमक की मात्रा भी थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा क्योंकि मैंने कम डाला है चटनी के हिसाब से। और एक बार चख कर आप पानी को उसके अंदर कुछ मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चटनी और डाल दी है। अगर आपके पास चटनी नहीं है तो आप मसालों की मात्रा जो है वो बढ़ा दीजिएगा, पानी का स्वाद जो है बिल्कुल वैसा ही खट्टा और चटपटा सा बनेगा। तो यहाँ पर हमारा जो पानी तैयार हो गया है, हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। अब हम इमली के पानी की तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपके पास घर में इमली नहीं है तो चटनी, इमली की चटनी से आप पानी बना सकते हैं। और अगर इमली है तो 2 चम्मच जितनी हम इमली लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी 1 ग्लास जितना पानी डाल देंगे हम उसके अंदर। और बाउल को हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देंगे, तब तक हम आलू का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3-4 जो है आलू लिए हैं, यानी 1 बड़ा आलू लिया है और 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जिसका छिलका निकाल कर हम इसे हाथों से इस तरीके से मैश करेंगे। ये हमारा जो आलू है वो मैश हो गया है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है मैंने। यहाँ पर हम इसके अंदर जो है क्रश की हुई लाल मिर्ची डालेंगे। अगर आपके पास क्रश की हुई लाल मिर्ची नहीं है तो आप, यानी चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। जीरे का पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे, सिके हुए जीरे का। नमक हम डालेंगे इसके अंदर स्वाद के अनुसार, काला नमक है तो वो डाल दीजिएगा। और इसके अंदर काली मिर्च डालेंगे हम क्रश की हुई। सारे मसालों की मात्रा डालने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच जितनी, 1 या 2 चम्मच जितनी हरी चटनी डालेंगे। अगर आपके पास हरी चटनी नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिएगा। नींबू का रस हम इसके अंदर डालेंगे खटाई के लिए। अभी सारे मसाले डालने के बाद हम इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले को। आप मसाले को चख के देख सकते हैं कि कुछ कम लगता है तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, यानी आप खटाई इसमें बढ़ा सकते हैं। ये हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है, हम इसको भी फ्रिज के अंदर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हम इमली की चटनी यानी इमली का पानी बनाएंगे खट्टा मीठा। यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और जो हमने इमली भिगो के रखी थी वो डाल दी है इसके अंदर पानी के साथ में ही। थोड़ा सा हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे, गुड़ घर में नहीं है तो आप इसके अंदर शक्कर भी डाल सकते हैं। और पानी के अंदर अच्छा सा उबाल आने देंगे। ये पानी जो है ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होता चटनी की तरह और एकदम पतला भी नहीं चाहिए हमें, तो हम इसको थोड़ा सा पानी को बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है, नमक की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसके अंदर पानी के अंदर उबाल आ रहा है, हम इसके अंदर जीरे का पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची का पाउडर सिर्फ रंगत के लिए डालेंगे, तीखेपन के लिए नहीं डालेंगे। थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर 1/4 चम्मच जितना मैंने काली मिर्ची का पाउडर इसके अंदर डाला है। हमारा पानी जो है काफी गाढ़ा होने लगा है और उबाल आने लगा है इसके अंदर। अब हम गैस को बंद कर देंगे। जब हमारा पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको छान देंगे।
और छानने के बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसके अंदर जो है इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। ये देखिए छलनी को दब छलनी के अंदर जो पल्प है वो हम दबा दबा के छान दिया है हमने, और हमारा जो पानी है ठंडा होने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब हम गोलगप्पे बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो एक कप मोटी सूजी ली है मैंने, वीडियो में आपको दिखा देती हूँ, ये मोटी वाली सूजी है। इस रेसिपी के लिए हमने बारीक सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है। एक चौथाई कप जितना हम इसके अंदर आटा डालेंगे, एक पिंच जितना इसके अंदर हम नमक डालेंगे, बिल्कुल एक पिंच यानी जरा सा नमक डालना है हमें इसके अंदर। अब हम इसे स्पैटुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच जितने हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल रेत जैसी होती है ना वैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। अब हम आधा कप जितना गरम पानी जो है वो गरम करने के लिए रखेंगे। एक कप सूजी लिए है तो हम पानी की मात्रा आधे कप जितनी लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आधा कप पानी जो एकदम बॉयल होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और इसको गरम पानी डालने के बाद स्पैटुला से मिलाएंगे। तो ये देख जो है 1/4 कप पानी जो है वो बचा हुआ वो हम मैंने इसके अंदर डाल दिया है, यानी पूरा आधा कप पानी इसके अंदर डाल दिया है। और इसको मिश्रण को धीरे धीरे हम हल्के हाथों से मिलाएंगे क्योंकि पानी काफी गर्म है और हमें इसे अच्छे से नीड करना है। तो ये देखिए हमारा जो डो है वो बनने लग गया है अच्छा सा। 1 चम्मच पानी हम इसके अंदर और मिलाएंगे, ये पानी भी हमें गर्म ही मिलाना है। और हमारा जो डो है वो हमें एकदम अच्छे से हथेलियों से मसलते हुए नीड करना है। अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए एक तरफ रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको एक बड़े से बर्तन यानी परात के अंदर मैंने नीड किया है एक बार, और नीड करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी गोलियां जो है वो बनानी शुरू कर देंगे। और इन गोलियों को हम ऐसे हथेलियों में दबाकर इसके पेड़े बनाएंगे। पानी पूरी के लिए गोलियां जो है बिल्कुल छोटी सी चाहिए होती है, तो आपको एकदम छोटी छोटी गोलियां बनानी है और इसको हम बेलेंगे। अगर आपकी गोलियां जो है वो किनारे से ऐसे क्रैक्स हो रही है तो आप कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके से बताई है, ये देखिए इस तरीके से हम पहले पानी पूरी बनाएंगे और इनके किनारे जो है बिल्कुल इवन होने चाहिए बीच का और किनारे, और इसको हम गरम तेल के अंदर एक बार इस तरीके से फ्राई कर देंगे। दोनों तरफ से सेकते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने पर इसको ऐसे जो है फ्राई करना है। अब हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, उसके अंदर अगर आपके किनारे ब्रेक हो रहे हैं और आपको गोल गोल ही पानी पूरी चाहिए तो आप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो बचा हुआ भाग है वो हम इसको इस तरीके से निकाल देंगे और सारी जो गोलगप्पे हम इस तरीके से तैयार कर देंगे। और जो हमारा तेल है वो गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम आँच को थोड़ा धीरे करके मीडियम फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे, पलट पलट कर गोल्डन होते हुए इनको फ्राई करेंगे। पूरियों को हम 10-15 मिनट बेलने के बाद एक तरफ रख देंगे और जब ये थोड़ी सी सूखने लगेगी तब हम इनको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो सारी पूरियां हैं वो तल गई है। कुछ अगर आपकी पूरियां जो रह जाती है जो काफी फूल नहीं पाती है तो उसे आप पपड़ी चाट में काम में ले सकते हैं, बिल्कुल क्रंची सी बनी है। और गोलगप्पे जो हैं हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, सूजी और आटे के बहुत ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, घर पर बना सकते हैं और चटपटी सी चाट को इस आप एंजॉय कर सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो घर पर बनाइए आटे और सूजी के हेल्दी से गोलगप्पे और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आपको बाय एंड टेक केयर।